अब बच्चे खुल के बाहर आना चाहते हैं बिकॉज ये अच्छा मौसम है, और माशाल्लाह आज खुदा भी हम पे मेहरबान है और उन्होंने मौसम भी आज अच्छा रखा है। जी, ट्रेनर्स तो और कोच तो प्रोफेशनल है, लेवल इंडिया लेवल के यहाँ पे कोच अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है इन ट्रायल्स में, एंड वी होप कि हम अपना बेस्ट दे पाए ताकि हम लोग नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाए। तब हम बॉल को पास करते हैं, सो उसके लिए आपको 15 घंटे, आज शाम को ही, मतलब आज ही लिस्ट निकलेगी, और जिसकी लिस्ट निकलेगी कंटिन्यू करो। दो हज़ार चौबीस का कैलेंडर आ चुका है और लकीली इस बार टूर्नामेंट्स थोड़े अर्ली आ गए, सो जून, मिड जून से हमारे 19th of June हमारी पहली बैच जाएगी। ये अलग अलग चार बैच हैं जिसमें जूनियर लड़कियां, जूनियर लड़के, सीनियर लड़कियां और सीनियर लड़के हैं। 19 तारीख को पहला टीम जाएगा, फिर अगले हफ्ते दूसरी टीम जाएगी, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी, और लास्ट टीम जो हमारी है वो कोई 3 जुलाई को जाएगी, मतलब 19 जून से 3 जुलाई के बीच में ये चार टीमें जाएगी। तो कॉस्ट कटिंग और बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम इनका कैंप जो है वो एक साथ करें, क्योंकि उससे बच्चों में आपस में कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और बच्चे जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। तो इसलिए हमने इस बार चारों कैंप एक साथ करने का निर्णय किया है, और आज सिलेक्शन ट्रायल्स है जिसके हमने प्रॉपरली न्यूज़पेपर में और इसमें डिटेल्स दी थी कि हम सिलेक्शन ट्रायल्स कर रहे हैं, और आज हमारे पास करीब तकरीबन नौ डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास जहां से बच्चे आए हैं। हमारे पास बड़गाम है, हमारे पास गांदरबल है, हमारे पास कुपवारा है, हमारे पास जम्मू है, हमारे पास कठुआ है, हमारे पास बारामूला है, बांडीपोरा है, श्रीनगर है। ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद टीमें कहाँ खेलेंगी? देखिए, ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद ये जो टीमें हैं ये सारी पुणे बालावाड़ी जाएगी, वहाँ साई का एक बहुत खूबसूरत सा सेटअप है, उसमें सारे इवेंट होने हैं और उन्हीं के एक ही वेन्यू है सबका, बट टीमें तरतीब वाइज जाएगी। जी, ट्रेनर्स तो और कोच तो प्रोफेशनल है, लेवल इंडिया लेवल के यहाँ पे कोच अवेलेबल है, तो उस चीज़ के लिए कि सारे यहाँ पे प्रोफेशनल हमें फिटनेस पे, मतलब हैंडलिंग पे गाइड कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम सब परफॉर्म करें। साथ साथ में कितना ज़रूरी है इस तरह के एक्टिविटीज़ होना, क्योंकि ये चीज़ें फिजिकल फिटनेस आपको रखती है, मेंटल स्ट्रेस में काफ़ी जो दबाव होता है पढ़ाई के लिहाज से उसमें भी हेल्प करती है। जी सर, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी है, आजकल के दौर में आप देखेंगे कि यूथ बहुत पीछे जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए कि ज़रूरी है कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी प्रिपेयर रहे, तो जितना हम स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, और तरह तरह के नए नए प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा आगे जम्मू कश्मीर एक हाई लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए। रग्बी में भी मतलब शौक ज़्यादा बढ़ने लगा? जी सर, ये बहुत फिजिकल, इसमें एक फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है रग्बी, और एक मतलब कि ब्रूटल स्पोर्ट माना जाता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेंटली भी और फिजिकली भी। सर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रायल्स वगैरह होती है ना तो बहुत सारे लोगों को पता चलती है, बहुत सारे प्लेयर्स को पता चलती है कुछ ऐसी भी चीज़ है, रग्बी भी कोई स्पोर्ट है जहाँ पे जाना चाहिए। इवन दो रग्बी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है अच्छे खासे इस नंबर पे ग्रो हो रहा है, बट इन सब ट्रायल्स या ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये सारी जो चीज़ें वो प्रमोट हो रही है, जैसे रग्बी के ट्रायल्स हो रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑल ओवर J&K से, जम्मू से है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत एनर्जी के साथ आए हैं, सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट, एंड हम भी अपना बेस्ट देंगे, लेट्स सी क्या होता है।